बड़सर क्षेत्र की वेल पंचायत के बरूटी गांव में घोषणा के बावजूद सड़क मार्ग को पक्का न होने के कारण शहीद दीपचंद राणा के परिजन व अन्य ग्रामीण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। आज भी ग्रामीणों को 5 किलोमीटर पैदल चलकर बस पकड़नी पड़ती है। ग्रामीणों के भारी रोष के चलते युवक मंडल वेल के सदस्यों के प्रयास को देखते हुए इस मुद्दे को लगातार मीडिया में उठाया गया, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने हरकत में आकर बरोटी इसे जोरगार्ड सड़क का काम शुरू करवा दिया है। सड़क के निर्माण कार्य शुरू होने से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है और ग्रामीणों ने इसके लिए सरकार व जिला प्रशासन का आभार जताया है। बता दें कि ग्राम पंचायत बेल के बरोटी गांव के रहने वाले दीपचंद राणा ने 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी। शहीद को सम्मान देते हुए तत्कालीन सरकार ने दीपचंद राणा के नाम से एक सड़क मार्ग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन बरसों बाद भी उस सड़क मार्ग का एक हिस्सा कच्चा व खस्ता हालत में था। सड़क बनने से बरोटी बेल थाना अम्बोटा लहड़ा भगोला तिबड़ा तुड़ान धर्मशाला सहित अन्य दर्जन भर गाँवों के लोग लाभान्वित होंगे। वहीं युवक मंडल के मीडिया प्रभारी संदीप राणा ने बताया कि 21 वर्षों बाद काम शुरू हुआ है, इसके लिए वे प्रशासन सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बताया कि सड़क के खराब होने से गांव के कई बीमार लोग समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण दम तोड़ चुके हैं। अब सड़क के पक्का होने का काम शुरू हो गया है, तो इसके लिए लोक निर्माण विभाग का आभार जताया है। वहीं अन्य ग्रामीण कैप्टन बलवंत सिंह राणा ने भी सड़क के पक्का होने पर लोक निर्माण विभाग का आभार जताया है। बलवंत राणा ने कहा कि विभाग जहां पर डंगा लगाने की आवश्यकता हो वहीं पर डंगा लगाने की गुहार लगाई है। वहीं लोक निर्माण विभाग SDO अनिल शर्मा ने बताया कि बरोटी से जोरगार सड़क का काम शुरू करवा दिया गया है। बिलासपुर से पहली बार मंत्री बनने के उपरांत पधारे हिमाचल के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि हिमाचल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कमियों व खामियों को दूर करेंगे और विभाग के कार्यों को गति देंगे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ साथ वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास करते हुए ये जिम्मेवारी सौंपी है, जिसे मैं बखूबी निभाते हुए उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग हर घर तक जुड़ा है और उनका प्रयास ये रहेगा कि आम आदमी को इस विभाग से हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो तथा किसी प्रकार की कमी हो तो उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो संकट आया है उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल सरकार ने गरीबों को सस्ता राशन उपलब्ध करवाने की विस्तृत योजना पर कार्य किया है और केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार ये योजना नवंबर तक चलाई जा रही है, जिसमें हर व्यक्ति को 5 किलो राशन मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे है। उन्होंने कहा कि उनकी यही प्राथमिकता रहेगी कि प्रदेश में हर आम आदमी को इस विभाग की ओर से दी जा रही सुविधा सरल तरीके से उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि गांव के गरीब किसान मजदूर और बेसहारा लोगों के लिए जो भी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं उन्हें पूरी ताकत लगाकर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं पत्रकार वार्ता के बाद उन्हें बिलासपुर प्रेस क्लब की ओर से शॉल टोपी देकर सम्मानित भी किया गया। कोरोना महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण गरीब बच्चों की पढ़ाई एंड्रॉइड फोन की कमी के कारण प्रभावित हो रही थी। गांव में कई गरीब ऐसे थे जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं थे, लेकिन सभी स्कूल ने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू कर दी ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। ऐसे में सरकार ने ग्रामीण गरीबों की पीड़ा को समझते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से एंड्रॉइड मोबाइल के लिए आसान किस्तों में ऋण की व्यवस्था की है। अब बच्चों को स्मार्टफोन क्रेव लैपटॉप के लिए आसान किस्तों में ऋण की व्यवस्था कर दी है। ऋण पाने के लिए छात्र का किसी स्कूल में इनरोलमेंट होना आवश्यक है।
बैंक प्रबंधकों का कहना है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए गरीब तबके के लोग लगातार आगे आ रहे हैं। मीना कुमारी ने बताया कि उसके दो बेटे हैं। लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं, इससे दिक्कतें आ रही हैं। रडोली स्कूल की छात्रा सेना ने बताया कि उनके पास फोन नहीं है, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही। कभी पड़ोसियों से मोबाइल लेकर पढ़ाई करते हैं। राज्य सहकारी बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक आरएस ठाकुर ने बताया कि जो भी लोग स्मार्टफोन के ऋण के लिए आ रहे हैं, उन्हें ऋण दिया जा रहा है ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। उन्होंने बताया कि एंड्रॉइड मोबाइल के लिए 25,000 का ऋण आसान किस्तों में दिया जा रहा है। बच्चे का खाता खोलकर ऋण प्रक्रिया शुरू की जा रही है।